हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम जानेंगे एक्सेल में डिफाइन नेम के बारे में, कि अगर जब हम लोग एक्सेल में काम कर रहे हो और डिफाइन नेम अगर हमको निकालना है या डिफाइन नेम करना है तो कैसे करना है। हाँ, तो समझ लीजिए पहले ये चीज़ कि आखिर डिफाइन नेम का यूज कब करते हैं। आ समझे ना, जैसे जानते हैं क्या होता है, बहुत जगह ऐसे काम कर रहे होते हैं ना, और एक ही डाटा हमको कई सारे सीट पर जोड़ना होता है। आ समझे ना, जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे नाम ही टाइप कर ले, हम लोग पिछले क्लास में नाम लिखे थे ना, अब यही नाम हम यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी किए और इस सीट पर ला करके हम पे स्टेशन में जा करके ट्रांसपोज कर देंगे। आप लोग पढ़े थे ना ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज आप लोग बताए थे ना कब, जब हम लोग वी लुकअप और एस लुकअप पढ़े थे तभी। ट्रांसपोज क्या करेगा, कॉलम को रो में और रो को कॉलम। अब यहाँ पे हमको कुछ नंबर लिखना है, इक्वल टू रेंट बिटवीन, क्या हो जाएगा, इक्वल टू रेंट बिटवीन। अब नंबर ले लिए कितना से, 10 से लेकर के 90 तक, इतना ही ले लेते हैं फिलहाल बस समझने के लिए। अब देखिए इस डिफाइन नेम के साथ हम लोग फॉर्मूला टैब भी जान लेंगे, सारा ऑप्शन कैसे काम करे, क्योंकि डिफाइन नेम इसी फॉर्मूला टैब में ही दिया गया। आ रहा समझे ना, अब इसमें देखिए अगर जो हम ये कहें आपने ये जो अशोक का नंबर लिखा है ना, अब हो सकता है आपको यहाँ भी जोड़ना पड़ रहा है, हो सकता है कि यहाँ भी जोड़ना पड़ रहा है, अगले सीट में हम आगे एक और नया सीट ले लिए यहाँ भी जोड़ना पड़ सकता है। तो हम ये चाहते हैं आप यहाँ इक्वल टू लिखिए, सम लिखिए, ब्रैकेट ओपन, फिर इस सीट पे आएंगे, इस सभी नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके फिर क्या करेंगे, इंटर करें, तब तो ये नंबर जोड़ करके लेके आ रहा है ना। तो सेलेक्ट करने के लिए वहां जाना पड़ रहा है, नहीं जाना पड़ दूसरे सीट पर, हम चाहते हैं हमको उस सीट पे जाने की आवश्यकता ना, तो उसके लिए हम लोग करते हैं इक्वल टू, सॉरी आ जाएंगे सी पे, इसी सीट हम चाहते हैं जहां पर है हम कहीं भी निकाल सकें, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर लें किसका, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले एक का नंबर हम लोग लाए हैं ना, ऐसे ला लेते हैं सबका नंबर, इसको कॉपी पेस्ट करना होगा ना, क्योंकि अब ये फार्मूला में है, फार्मूला से हम हटा के कॉपी करेंगे और वैल्यूम क्या कर देंगे, अब नंबर में सिर्फ दिख रहा है ना। तो हम ये चाहते हैं एक काम करिए कि जब आप यहाँ पे इक्वल टू सम मिनिमम मैक्सिमम जो भी लिखना है लिखिए, लेकिन आपको ये अशोक वाले सेल को सेलेक्ट नहीं करना, बस उनका नाम लिख दें, नाम लिखिए अपने आप उस सम करके ऐड करके जो भी करके लाना वो अपने आप लेकर के आ जाए। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं, डिफाइन। आ रहा समझे ना, चलिए डिफाइन नेम यूज करने से पहले हम लोग इन सभी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो पहले क्या दिया, डिफाइन मैनेजर, नेम मैनेजर दिया है ना, तो नेम मैनेजर का काम होता है कि यदि आप पहले से डेटा बना करके क्या किए हैं रखे हुए, जैसे हम अशोक का डिफाइन नेम कर दिए, चेंजिंग करना है या डिलीट करना है तो हम कहाँ पे आएंगे, देखिए अभी कोई बना हुआ नहीं है ना, ये तो टेबल पहले से कोई टेबल बना हुआ है, और ये तीन वो चीज जो हम लोग फिल्टर लगाए थे, एड्रेस नेम और प्रोडक्ट का स्लाइसर वाला, पाइवोट टेबल जो हम लोग स्लाइसर फिल्टर के लिए इस्तेमाल किए थे वो बना हुआ है, लेकिन हम किसी नाम का भी नहीं बना हुआ है ना। अब देखिए आगे जाएंगे, डिफाइन नेम दिया और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दिया, अगर जो आप इसका इनका बस बनाना चाहते हैं अशोक का, तो डिफाइन नेम पे क्लिक करिए, देखिए नाम आ गया यहाँ पर ना, ओके करें, फिर दूसरा सेलेक्ट करिए, डिफाइन नेम पे जाइए, ओके करिए, देखिए नेम मैनेजर में दोनों दिखने लगा ना, अशोक का और सैफ का। तो ऐसे वो डिफाइन नेम से करेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि डिफाइन नेम सिर्फ एक एक का ही होगा, समझ आ रहा है ना। अब देखिए जो भी हम दो बनाए थे दोनों सेलेक्ट करके हम डिलीट कर दिए, यहाँ से दोनों को क्या कर दिए, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक बार डिफाइन नेम कर देंगे तो किसी भी सीट में हम रहे हैं हमको कैलकुलेशन करने में कोई समस्या नहीं हो। एक का करना डिफाइन नेम तो ज्यादा समय लग जाएगा, हम चाहते हैं सबका एक ही साथ कर सके, सबका क्या कर सके, एक ही साथ कर सके, सबको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे कहाँ पे, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, कि जितना आपने सेलेक्शन किया इन सबका बनाना है,
तो आपको कुछ अलग ऑप्शन पूछ रहा है ना। ऑप्शन ये पता है क्या है, देखिए पहले कह रहा है टॉप रो, और वही सेलेक्ट भी हुआ है ना। जो हेडिंग है, हेडिंग आपका कौन सा है, टॉप रो ऊपर है कि लेफ्ट कॉलम, कि लेफ्ट वाले इधर कॉलम में है, या फिर क्या बॉटम रो या नीचे वाले रो में है, या फिर क्या राइट कॉलम या इधर कॉलम में है। तो हेडिंग जहां रहेगा उसी को सेलेक्ट करेंगे ना। तो हेडिंग हमारा ऊपर, तो अपने आप सेलेक्ट भी कौन सा हो गया है, टॉप रो सेलेक्ट हो गया है ना। और सेलेक्ट करने के बाद से जस्ट हम कर लेंगे ओके। तो कुछ ऑप्शन भी हमको दिखाई दिया है ओके करने के बाद, नहीं दिखाई दिया है ना। लेकिन देखिए सबका डिफाइन नेम हो गया, मैनेजर में आ गया, सबके नाम से यहाँ पे एक एक कॉलम दिखने लगा, सबका हम अलग अलग नहीं किए हैं ना, एक ही बार में सबका कर दिए। हाँ डिफाइन नेम करेंगे तो एक एक होगा, और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करें तो एक ही बार में जितना चाहते हैं उतना कर सकते। तो ये दोनों समझ आ रहा है ना। अब यही चीजें हम क्या कर दिए, अब हमको फार्मूला इस्तेमाल करना, क्या इक्वल टू सम निकालना है। किसका, मान लेते हैं नसीम का सम निकालना है। तो यूज इन फार्मूला हाईलाइट है, बाकी सारा डिसेबल दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यूज इन फार्मूला पे चले जाएंगे, किसका निकालना है, नसीम का है ना। क्लिक करेंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर, तो नसीम का सिर्फ नंबर जोड़ेंगे कितना आएगा, 400। यहाँ जोड़ लीजिए नसीम वाले में, सबको सेलेक्ट करिए और ऑटो सम कर लीजिए, यहीं से 490 आ रहा है, फॉर्मूला लगा ले रहा है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगले सीट पर आप आ जाइए, इस वाले सीट पर, यहाँ भी और आप लिखते हैं इक्वल टू सम, या सम को हटा दीजिए, इक्वल टू मैक्स लिखिए, मैक्सिमम अधिक से अधिक, ये जो है ना इस बार नंबर लेते हैं अजनबी का, अजनबी में जो अजनबी का जो कॉलम है उसमें सबसे अधिक नंबर कितना है, तो ब्रैकेट क्लोज और कितना है, अधिक से अधिक 83 निकल जा रहा है ना। क्या हमको सेलेक्ट करने जाना पड़ रहा है, तो डिफाइन नेम कैसे काम करें प्रॉपर समझ आ रहा है ना। हाँ लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप यूज इन फार्मूले का इस्तेमाल करें, आप इक्वल टू मीन लिखिए, कम से कम किसका जानना है, अशोक का, यहाँ अशोक लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर करिए। अशोक का सबसे कम वैल्यू कितना है, निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो डिफाइन नेम ये चार ऑप्शन क्या ऐसे काम कर रही, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है डिफाइन नेम। चलिए हम अपने सीट पर आ जाते हैं, इसी पर यहाँ आ गए, इक्वल टू सम, सम निकालना है किसका, अशोक का, हम यहाँ कर लिए क्या अशोक, ब्रैकेट वो क्लोज किए और क्या कर दिए, अशोक का सम बता रहा है ना 447। हो सकता है अभी हमको जानना है किसका, रागिनी का जानना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर दिए क्या इक्वल टू, क्या जानना है तो काउंट करना है, हम इस्तेमाल कर लिए किसका काउंट, किनका जानना है, रागिनी का जानना है। तो चाहे तो हम लोग नाम लिखें या फिर हम यूज इन फॉर्मूला पे जाके नाम को क्या कर लेंगे सेलेक्ट। देखिए अपने आप ये सेल सेलेक्ट कर दे रहा है ना, तो डिफाइनेंस समझ आ रहा है ना। सेलेक्ट करने के बाद से जस्ट ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और तो कितना है निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हो सकता है कहीं उत्कर्ष का परसेंटेज निकालना है, 10 ये काउंट करके बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाँ काउंट करें, क्योंकि हमने काउंट का ही फार्मूला लगाया है ना, काउंट करें कितना सेल है, तो उसने काउंट करें कितना सेल है, हो जाएगा ना। हमको उत्कर्ष का परसेंटेज निकालना है, हम लिख दिए इक्वल टू और यहाँ लिख दिए क्या एवरेज, क्या लिख दिए एवरेज, किसका एवरेज, उत्कर्ष, क्या हम सेलेक्ट करेंगे, नाम लिख लेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और निकल के आ गया कितना परसेंट आएंगे सभी नंबर को निकालें तो, क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये डिफाइन नेम में ने जो डिफाइंड नेम दे रहा है, नेम मैनेजर क्या समझा रहा है ना,
कि पहले से बना हुआ है, या तो उसको डिलीट करना है या तो उसको एडिट करना है। सेलेक्ट करके एडिट करना है तो एडिट कर लेंगे, और डिलीट करना है तो हो जाएगा ना। और डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे, हट जाएगा। एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यही नाम दिए हैं और ये सेल सेलेक्ट किए, सेल देखिए सेलेक्टेड दिख रहा है। सेल चेंज करना चाहे तो सेल चेंज कर लीजिए, नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर, हो जाएगा। तो डिलीट और एडिट समझ में आ रहा है ना। न्यू बनाना है तो आप यहाँ से भी न्यू बना सकते हैं, नाम दे दीजिए और एरिया जो वो एरिया क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर, हो जाएगा। ओके कर लेंगे, इसके नाम से डिफाइन हो जाएगा। कमेंट कमेंट अपने हिसाब से दे सकते हैं, आखिर क्यों दिए हैं हम। आ रहा समझे ना। कमेंट क्या समझ लीजिए, जैसे एक चीज और यहाँ पे दे रहा है, इसको कहाँ कहाँ काम करेगा, तो वर्कबुक है, स्टूडेंट डाटा बेस, स्टूडेंट मार्कशीट, यानी सपोज करिए हम यहाँ सेलेक्ट कर ली सीट वन ना, तो ये सिर्फ काम सीट वन पे ही करेगा, बाकी और किसी पे नहीं करेगा। आ रहा समझ में कैसे, एक बार चलिए इसको भी समझ लेते। बगल में यही नंबर यहाँ भी ला रहे, नंबर यहाँ आ गया है ना, लेकिन यहाँ पे नाम हम दे दिए राम, क्या दे दिए, और राम के बगल में सेम यही नंबर हम यहाँ दे दिए क्या, राम वन कर दिए सिम, क्या किए हैं राम, इसको भी सेलेक्ट किए डिफाइन नेम करके ओके कर, इसको भी सेलेक्ट किए डिफाइन नेम किए और ओके कर, दोनों का हो गया है ना। लेकिन थोड़ा सा काम करते हैं, चेंजिंग क्या करना है हमको, राम वन वाला डिलीट कर दो, दोबारा से रामोन को सेलेक्ट किए डिफाइन नेम में, वर्कबुक को हटा करके हम कर दिए किस पे, सीट टू पे, क्या सेलेक्ट किए हैं सीट, और यहाँ लिख दिए क्या, दिस इज फॉर सीट टू, यह सिर्फ किसके लिए है, सीट टू के लिए, और जैसे यहाँ से क्या कर लिया, हो गया है ना। अब देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वल टू सम करना है इसका, तो राम का, राम वन ब्रैकेट क्लोज, और क्या आ रहा है यहाँ पे राम वन का, नहीं आ रहा है ना। हाँ सीट टू पे आ गया, क्योंकि सीट टू ही हम दिए हैं ना, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू सम इसका चाहिए तो राम का, देखिए उसका नाम यहाँ पे आ गया राम वन, ब्रैकेट वो क्लोज किया और क्या कर दिए, तो स्कोप वाला, और कमेंट सिर्फ उसको दिखाने के लिए है कि आपने ये जो लिखा है वो सिर्फ किसके लिए कमेंट है, देखिए दिख रहा है कमेंट ना, दिस इज फॉर सीट, ये आपने जो दिया वो सिर्फ किसके लिए है, सीट टू, हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। कौन सा सा नीचे दो चार लोग नहीं, तब जब सिलेक्शन कर रहे हैं हम ना, जैसे अभी हम ये सिलेक्शन कर रहे हैं, तो सिलेक्शन के दौरान ही हम बढ़ा लेंगे जितना हमको एक्स्ट्रा रखना हो, आ रहा समझे ना, तो होगा, या बाद में अगर जो बढ़ा नंबर यहाँ पे, जैसे 17 हो गया, उसके नीचे कितना 14 हो गया, तो जब यहाँ पे आएंगे नेम मैनेजर में ना, तो इनका अशोक का है ना, सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट कर ले, रेंज में आ जाएंगे, देखिए यहीं तक बस बता रहा है ना, दिख रहा है ना, इसको हटा करके इसके रेंज को और बढ़ा लेंगे यहाँ तक से। हाँ ओके कर देंगे, बस रेंज बढ़ गया इसका, हो जाएगा ना। तो डिफाइन नेम क्या, ये समझ आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, थोड़ा सा देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या चीज, तो सबसे पहले आएंगे तो आपको इधर दिखाई देगा फंक्शन लाइब्रेरी, और इधर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा फॉर्मूला कर, आ रहा समझे ना। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन लाइब्रेरी समझ लेते हैं। देखिए एक्सेल में देखा जाए तो बहुत सारा फार्मूला है, आ रहा समझे ना, लगभग 1000 से ऊपर फार्मूला है, सारा पढ़ पाना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि तो सारा फार्मूला पढ़ने लगेंगे ना तो बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, आ रहा समझे ना। तो इसलिए फार्मूला कभी भी हम लोग पढ़ते हैं तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला रहता है बस हम लोग वही पढ़ते हैं, आ रहा समझे ना। देखिए सबसे पहले हम लोग आपसे समझ लेते हैं इंसर्ट फंक्शन, हम लोग क्या करते हैं यहाँ सेल में इक्वल टू लिखते हैं, सम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, नंबर को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और फिर इंटर करते हैं,
खुद से हम लोग काम करते हैं सारा ना, लेकिन अब ये चीजें किससे करना है, फंक्शन कौन सा लगाना है, सम का, एरिया का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, कौन सा लगाना है? सम का लगाना है, वो कर दू। आ रहा समझ में ना? अब उसके बाद आपको टाइप में क्या लेना है, या फिर चलिए थोड़ा सा बैक आ गए, इंसर्ट फंक्शन पे गए, सम का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ से क्या कर लिया हम, ओके कर, नंबर दे रहा सेलेक्ट करने के लिए ना, यहाँ फार्मूला भी लग चुका है, दिख रहा है, बस आप इन सबको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इसमें सेलेक्ट हो गया है ना, और यहाँ से क्या कर लेंगे, फिर जोड़ करके बता दिया टोटल हो जाएगा ना। ऑटो सम तो आप लोग पढ़े ही हैं, कर्सर यहाँ रखिए, ऑटो सम पे क्लिक करिए, और यहाँ से क्या कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, हो जाएगा। ऑटो सम के पास दे रहा है रिसेंटली यूज, जो तुरंत आप फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, वो आपको किसमें दिखेगा, रिसेंटली। सम का एरिया जो हम लोग सेलेक्शन कर रहे हैं वही एरिया फार्मूला है, मैक्सिमम का, एवरेज का, इफ का, हाइपरलिंक, काउंट, सीन, समिफ, पीएमटी, ये हम लोग पढ़े हैं ना। हाँ आगे आ जाए तो अगला फाइनेंशियल दे रहा है, और फाइनेंशियल में जो ज्यादा जरूरी हम लोग पढ़ चुके हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, ये भी फंक्शन जिसे हम लोग आईपीएमटी पीपीएमटी फार्मूला पढ़े हैं, याद है ना। आगे तो लॉजिकल, लॉजिकल हम लोग पढ़े हैं, इफ का फंक्शन नहीं पढ़े और इफ इरर पढ़े पढ़े हम लोग ना। अब हम लोग को ये फार्मूला, ये एंड और उसके बाद से आर, दो फार्मूला जरूरी है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आ रहा समझ में ना। और उसके बाद अगला देखिए टेक्स्ट दिया है, तो टेक्स्ट में क्या, अभी हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं ना, लेफ्ट का, लेंथ का, लोअर का, मिड का, प्रॉपर का, ये पढ़े हैं हम लोग ना, जो जरूरी लगभग हम लोग पढ़ लिए हैं। डेट एंड टाइम में डेट निकालने के लिए डेज, ईवो, मंथ, ये हम लोग पढ़े हैं ना, टू डे का फार्मूला, वीक डे, जो भी डे आपको निकालना है, मिनट निकालना है तो मिनट का फार्मूला लगाइए, कितना मिनट, सीरियल नंबर हम दे दिए कितना, ये 73 दे दिए और ओके कर लिए, 73 में बता रहा है कितना अभी, क्योंकि मिनट अभी क्या बता रहे इसमें, हाँ जब कुछ और टाइम इसके बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा तब जाके 1 मिनट या 2 मिनट यहाँ बताए, तो मिनट निकालना तो किसमें आ जाएंगे, डेट वाले, लुकअप वाले में आ जाइए, तो लुकअप में लगभग हम लोग पढ़े हैं क्या, कॉलम या और कॉलम्स, कॉलम्स पढ़े हम लोग ना, वी लुकअप में और एस लुकअप के अंदर लगाए थे। उसके नीचे देखिए आगे हमको इंडेक्स फार्मूला पढ़ना है, एच लुकअप हम लोग पढ़े हैं ना, ये सारा फंक्शन दिया, कौन सा फार्मूला कैसे काम करेगा, जो आपको फार्मूला लगाना है यहाँ से फार्मूला सेलेक्ट कर सकते, आ रहा समझ में ना। जैसे आपको कॉलम नंबर पता करना है कि आप किस कॉलम में हैं, तो आप आ जाइए किसमें, लुकअप में, कॉलम पे क्लिक करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, हाँ इसी को सेलेक्ट करिए और यहाँ से कर लेंगे, बता रहा कितने नंबर कॉलम है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। मोर फंक्शन, ये मैथमेटिक्स वाले में आ जाइए, मैथमेटिक्स वाले में थोड़ा सा फार्मूला भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एंड के समय एबीएस क्या है, कॉस क्या है, फिर उसके बाद से कन्वर्ट क्या है, ये सारा फार्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे जो ज्यादा जरूरी हो। और जस्ट उसका दिया क्या, मोर फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन आपको मिलेगा जो ज्यादातर हम लोग का कोई खास यूज इसमें नहीं, आया समझ में ना। तो लगभग आप लोग इसमें देख पा रहे हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो लगभग हम लोग कुछ पढ़ लिए और कुछ पढ़ना भी बाकी, आया समझ में ना। ये सारा फार्मूले का नाम दिए, कौन सा कौन फार्मूला होगा, वो फार्मूला यदि आप लिखना चाहते तो इक्वल टू करके लिख लीजिए, अन्यथा आप आ करके यहीं पे क्या करिए, क्लिक करके फार्मूला लगा, हो जाएगा ना। यहाँ पे वैल्यू दे देंगे कि हमारा वैल्यू है, और अगर जो गलत हो जाता है तो यहाँ पे क्या कंडीशन दे, 15 है तो 15 बता रहा है, अगर जहाँ पे 15 नहीं रहेगा क्या कर दिया, हटा दी, अभी कोई इरर बता रहा है, क्योंकि कोई इफ का कंडीशन अभी नहीं लगाया ना, कोई फार्मूला लगा रहे हैं तभी काम करे, जो हम लोग पढ़े थे किस वाले में, डबल वी लुकअप वाले में था ना, यहाँ पर कि अगर जो ये इरर दे दिए हैं फार्मूला जो गलत हो जाएगा क्या बताएगा, इरर बताएगा, पढ़े थे हम लोग ना, उसके लिए क्या करना था, बस शुरू में आकर के आपको लिखना है क्या, इफ इरर, क्या लिखना है, इफ इरर, और लास्ट में जाकर के आपको वो इरर लिख देना है क्या चाहिए,
पाकिस्तान में नॉट अप्लीकेबल, लेकिन लेकिन इसमें क्या है, लेकिन वही अगर हम सही डाटा टाइप करें तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो लगभग अभी हम लोग जो पढ़े हैं डिफाइन नेम और ये फार्मूला लगभग ये क्लियर हो रहा है ना, बताइए समझ में आ जा रहा है ना? डिफाइन नेम क्या क्लियर है ना? अब आगे हम लोग को समझना है ट्रेस प्रेसिडेंट क्या है, ट्रेस डिपेंड क्या है, रिमूव एरो क्या है। अगर हम ये कहें कि नंबर आप लिखे हैं कितना 478 है ना, किसका है तो बता पाएंगे? अभी फार्मूला से देख के बता रहा है ना, फार्मूला से पता लग जा रहा है ना अशोक का है, लेकिन अशोक का कहाँ पे डेटा है? तो आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए उसको सेलेक्ट करके लाया है, दिख रहा है ना, निकल जा रहा है ना। अगर जो हम पूछे आप कहीं ये बताइए नसीम का कहीं आप डेटा निकाले हैं क्या, तो नसीम को सेलेक्ट करके ट्रेस डिपेंड पे क्लिक कर बता रहा, निकल आए कि यहाँ पे आया है और एक निकल जाएगा। तो ये एरो कैसे काम कर समझ आ रहा है ना? अगर जो आप फार्मूला सेलेक्ट किए हैं जहां पे आप डेटा निकाले हैं, तब तो आप उसके लिए ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे, और यदि आप ये कॉलम सेलेक्ट किए हैं तब उसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रेस डिपेंड्स सेलेक्ट करिए, ट्रेस डिपेंड्स बता रहा ना ये यहाँ पे आया हो, निकल जाएगा। और सारा एरो को हटा देना, तेरे को एरो कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें? एक बार देख लीजिए, अगर जिसमें जो नहीं समझ में आ रहा हो एक बार पूछ लीजिए, फिर बता दे रहे हैं। और ये तो लगभग फंक्शन सारा दिया ही है, हो जाएगा ना? इसमें देख लीजिए जो नहीं समझ में आ रहा फिर पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़े यहाँ पे बता दें। तो लग रहा है नींद आ रहा, सोच रहे नींद आ रहा है, सुनिए हो गया जाएगा, आगे बता दें। पहला दिया सो फार्मूला, सो फार्मूला मतलब फार्मूला दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ऑन कर दीजिए, देखिए सब जगह कोई रिजल्ट दिख रहा है, सिर्फ फार्मूला दिख रहा है, सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है ना। और अब जो ऑफ कर दिए तो आपका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, सो फार्मूला समझ आ रहा है ना? ऑन करें तो फार्मूला दिखाई देगा, ऑफ करें तो फार्मूला दिखाई नहीं, हो जाएगा। अगर जो इस सीट का हम ये कहें आप इस सीट का सारा फार्मूला दिखाइए हमको, बस तो फार्मूला वो क्या कर देंगे, तो जहां जहां फार्मूला लगाए रहेंगे ना वहां वहां सारा फार्मूला आपको दिख जाए, हो जाएगा ना? और ऑफ कर देंगे फार्मूला दिखाई, इरर चेकिंग क्या है, फार्मूला आप लगाए हैं तो जहां ऐसे गलत हुआ होगा, यहाँ गलत हुआ है, यहाँ पे आ गए, यहाँ भी फार्मूला हम गलत कर दिए, दो जगह गलत हो गया है ना, पता करना कहाँ कहाँ गलत है, तो एरर चेकिंग पे क्लिक करिए, एक यहाँ गलत बता रहा है, नेक्स्ट, एक यहाँ गलत है, नेक्स्ट, एक यहाँ गलत, दिख रहा है ना? हाँ गलत हो उसको सही करना है, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे क्लिक, आप यही फॉर्मूला लगाए ना, क्लिक करिए, बता रहे इस नाम से कहीं फॉर्मूला नहीं है इसलिए एडिट होने नहीं देगा, यहाँ पे शो रिजल्ट इसका नहीं कर, वही अगर हम इसको सेलेक्ट करें क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए काउंट और आगे दिखाई दे रहा है ना, क्लिक कर दे तो रिजल्ट दिखाई दे रहा है कितना आया है, फिर क्लिक कर दिए तो आ जाएगा वापस से, भाई हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये तीन ऑप्शन के समझ में आ रहा है ना? वॉच विंडो क्या है, जैसे देखिए वॉच विंडो का काम यह है कि आप ये अशोक सैफ और भी तीन लोग का नाम लिखें, किस सेल में, अशोक का E6 में है, EF6 में किसका है, सैफ का, और G6 में किसका है, अच्छा सेम इसी कॉलम में आपको अगले जगह जाकर के नाम लिखना है, तो सले करके कहाँ जाएंगे, वॉच विंडो, और आप आज दूसरे सीट पर बता रहा है किस सीट में, सीट 6 में क्या लिखा गया है, आईडी नंबर, ये ना E6, ई कहाँ पे है, यहाँ है, और सी कहाँ पे है, यहाँ, E6 आ गया है ना, यहाँ लिखेंगे आईडी। अब देखिए E6 में क्या है, नेम, यहाँ लिखेंगे
G6 में क्या है, एड्रेस हो जाएगा ना। तो जो जहां जिस सेल में लिखा हो दूसरे सीट के सेम उसी सेल में लिखना है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे वॉचमैन, हो जाएगा ना। और जब आगे आएंगे तो आपको अगला ऑप्शन दिखाई देगा किसका, कैलकुलेशन ऑप्शन। तो कितना ऑप्शन दे रहा है, अच्छा तीन ऑप्शन। पहला क्या है, पहला क्या दिया है, ऑटोमेटिक। दूसरा दिया ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर डाटा टेबल। और तीसरा क्या दिया है, तो अभी किस पर है, ऑटोमेटिक पे है ना। देखिए क्या होता है, अगर जो हम ऊपर आ जाएं इस वाले सीट पर, ये अशोक का सारा नंबर जोड़ने के 778 आया है ना, आया है ना। अगर जो हम यहाँ पे 14 के बजाय बल्कि अगर जो 10 करें, उसमें देखिए 4 नंबर कम हो जा रहा, अपने आप ना कम हो जा रहा है। नहीं हो तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, इक्वल टू, यहाँ पहले नंबर लिख दिया यहाँ पे 10 20, इक्वल टू सेलेक्ट करके प्लस और सेलेक्ट करके इन, तो दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, तो 30 बता रहा है ना, कितना बता रहा है। और जब हम यहाँ पर 20 कर दें, अपने आप चेंज हो कितना हो जा रहा है, तो चेंज कर दिया ऑटोमेटिक हो जा रहा है, हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है ना। हम चाहते हैं अगर जैसा टेबल बना रहे, टेबल में रहेगा इस वाले टेबल में, तब उसके लिए सिर्फ काम करें, तब हम यहाँ आने के बाद से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, टेबल। तो टेबल पे काम करेगा लेकिन यहाँ पे काम नहीं, अभी भी काम करेगा क्योंकि टेबल ले लिए हैं। और अगर जो चाहते हैं नहीं, मैनुअल रखेंगे, 10 और 20 कितना होगा, बता रहा है ना। और जब हम यहाँ पे कर दे कितना 20, तो 40 चेंज हो रहा है यहाँ पर, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कैलकुलेशन ऑप्शन में क्या रखे हैं। तो ऑप्शन समझा रहा है ना, ऑटोमेटिक पे रहेगा। अब देखिए ऑटोमेटिक पे नहीं, मैनुअल पे है ना। अच्छा सीरियल नंबर भी लिख लीजिए, तो 1 2 सेलेक्ट करिए और ड्रॉप करिए। अब देखिए सीरियल नंबर आ जा रहा है ना, सीरियल नंबर क्या हो रहा है, आ जा रहा है। लेकिन अगर जो कैलकुलेशन करना है, जैसे सपोज करिए इन सबको यहां से यहां तक क्लियर कर दिया, यहां पे अगर आप इक्वल टू अल्ट इक्वल टू कर रहे हैं, तो एक का कितना निकला है, 447। ड्रा करिए तो सबका कितना आया है, 447। क्या सबका 447 ही होगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आप रैंड बिटवीन फार्मूले का इस्तेमाल करो, बीस से लेकर के 60 48 आया है ना। ड्रा कर लिए नीचे और ड्रा कर लिए इधर, 48 48 आना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, पता है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यह अपने आप कैलकुलेशन नहीं कर रहा। आ रहा समझे ना। अब जब ये ऑटोमेटिक पे रहता तब जाके ये काम कर, चेंज हो गया आप अपने यहाँ, आ रहा समझे ना। अब ऊपर वाला देखिए ये भी अपडेट हुआ अपने यहाँ। अब इसी को हम क्या कर दिए, अब मैनुअल कर दिए और इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक ड्रा कर दिए, 47 47 आ रहा है सिर्फ में, नीचे आ जाइए इसमें एक और सेलेक्ट करके ड्रा कर लीजिए, देखिए सब में कितना आ रहा है, क्योंकि ऊपर सिर्फ क्या था सर। अब अपने आप से अपडेट होने नहीं दे रहा है ना। दो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट, सिर्फ इतना एरिया करना है तो कैलकुलेट नाउ, और इस सीट पे जहां जहां आपने मैनुअल रखा है सबको करना है तो कैलकुलेट सीट। अपडेट हो गया अपने यहाँ, तो लगभग ये समझ में आ रहा क्या है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, समझ लीजिए। हमने सिर्फ आपको ये बताया ये फार्मूला क्या करता है, ये बस बताता है कि आप किस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, फार्मूले का नाम दिया यहाँ पे सारा फंक्शन का नाम, क्लियर है ना। और फंक्शन के पास हम आपको बताएं नेम मैनेजर, जो एक बार आप ऐड कर लेंगे तो किसी भी सीट पे रहिए आप उसके नाम से उसका कैलकुलेशन कर सकते, हो जाएगा ना। ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंड,
ये पता लगाने के लिए है कि अगर जो आपने ये फार्मूला लगाया है ये कहाँ से आया है, या यदि आपने इसका फार्मूला लगाया तो ये कहाँ गया, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस, क्लियर है ना। और जो एरो आया रहेगा एरो को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हो जाएगा। और अगला हम लोग का क्या है, सो फार्मूला ऑन कर लेंगे तो कोई हमारा रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ फार्मूला दिखाई देगा। और एरर, ये एरर चेकिंग जहां जहां फार्मूला गलत हुआ है सिर्फ वो बताएगा, हो जाएगा। और फार्मूला जो गलत हो उसको सही करना तो कहां पे आ जाएंगे, हो जाएगा ना। हाँ सो होगा जब फार्मूला सही करेंगे तब। और वाचमिन तो आप लोग पढ़े ही हैं, इस ये जिस सेल में नाम लिखे यही सेल हमको अगले सीट पर देखना है किसका इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेशन ऑप्शन, मैनुअल, ऑटोमेटिक, जो भी रखना हम यहाँ से रख सकते हैं। मैनुअल है और सिर्फ यहाँ अगर जो करना चाहते हैं तो कैलकुलेट नाउ करेंगे, और पूरे सीट का करना चाहते हैं तो कैलकुलेट शिफ्ट। अब हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, अब कर ले जाएंगे ना। तो अगर जो फार्मूला टाइप यूज करना है तो सभी लोग कर ले जाएंगे, हो जाएगा जी। तो आज आप लोग फार्मूला टाइप ट्राई करके आइए, और अगली क्लास में आपको बताएंगे फ्यूचर वैल्यू या बी फंक्शन, क्या पढ़ेंगे हम लोग, या बी फंक्शन एक फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।